बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम अलैकुम हिंदुवान, एंड अस्सलाम अलैकुम पिशावरियों। दिस इज योर बॉय शाहजी एंड वी आर लाइव एट दिल पिशोरी के नेक्स्ट एपिसोड में। राम उम्मीद करना थोड़ा पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरा। वसीम मेरा ब्लू कलर भी कैसा लगता है दिखाओ। ब्लू कलर इज माय फेवरेट बाय द वे। तो आज मेरा दिल आया कि आज मैं ब्लू पाना। तो थोड़े ना थोड़ा जहाँ ना दिल पिशोरी करना किसान गुजर सी जनाब। उम्मीद करना कि थोड़ा अल्लाह थोड़ी कारा ते थोड़ी जिंदगी ते एक खास रहमत अपनी अल्लाह निछावर कर दी रहे। जनाब आज एक बड़ी एक छोटी जी गल मैं कर लेना पहले वक्त में आगे चलने। मेरी वालदा जी जनाब आज बर्थडे आई। तो ममा हैप्पी बर्थडे एंड बड़ी अल्लाह तुहानू साढ़े सिर से सलामत रखे। अच्छा मैं ना बचपन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं बहुत तंग कर रहा अम्मी नू बहुत ज़्यादा लाइक ना पढ़ना भी नहीं गावा, सवेरे उठना भी बड़ा मसला है मेरे से। तो अम्मी मैं बार बार कहते हैं गल सुन, अगर तू ना पढ़ से ना तो खानदान ही तेन कोई अपने नाल ना बिठा सी। ठीक है तो मैं ममा वाकई मुझे इस खानदान में नहीं बिठाएंगे, कितने ना तेनों कोई बिठा सी ना। तो जनाब उस अम्मी दे उस डर ने ना मनु पढ़ाई वैसे मजबूर कर छोड़ा। आज मेरी माँ की बर्थडे है जनाब। ममा हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो ऐसे ही चल रहे जनाब अपने टॉपिक वाले। जनाब आज का मेरा टॉपिक मैं शुरू जी इंडोर्स करना, उसकी वजह यह है कि यह टॉपिक शायद साढ़े दिलों के बहुत करीब भी है तो असी महसूस भी बहुत करने इस गल। जनाब आज का जो टॉपिक है वह मैं ओन योर कल्चर, अपने कल्चर अपने कल्चर ओन करो। ठीक है जी, भावें तुसी पिशावरी हो, तुसी पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, ठीक है, लेकिन तुहाने तुहाड़ा जिहड़ा भी कल्चर है, जिहड़े भी इलाकाई कल्चर है, तुहाड़ा खानदानी कल्चर है, उन्हें ओन करो। उसे शर्म महसूस ना करो। वो तुहाड़ी जबान हो सकती है, तुहाड़े कपड़े हो सकते हैं, तुहाड़ा रहन सहन हो सकता है, तुहाड़ी खाने की डिशेज हो सकती हैं, तुहाड़ा कुछ भी हो सकता है। जनाब किसी को फॉलो नहीं करना, किसी के फुटस्टैप पे चलना नहीं गा, अपने कल्चर नू ओन करना है बेसिकली। मेरे को एक कॉलर है तो मैं गल करना जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? अच्छे हैं आप? वालेकुम सलाम। कौन बच्चे कहाँ से बात कर रहे हो? मैं मात मंगोल बात कर रहा हूँ पिशावर से। जी मात कैसे हो, ठीक हो? अच्छे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कौमी जुबान जो है जी? हमारी कौमी जुबान उर्दू है और हमारी मादरी जुबान हिंको है। शाबाश, ठीक है। आपको इनको आती है? इनको आती है तनु जी? क्यों नहीं आती जी? तो बात इनको इनको ही गाल कर मेरे नाल यार, क्यों हो गया? तेरा जी इनको ही गाल करना हुआ। अच्छा आशवे मैं कहना चाहता जी के ये मैं कहना चाहता कि आज के कहना चाहता जी ओके जी माज बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है। जनाब गल वही शुरू कर रहे हैं। एक ड्रामा पे आजकल असी सारे पे देख रहे हैं औरतोगरल, ठीक है जनाब, औरतोगरल बड़ी एक मजेदार ड्रामा है, तुसी भी देख दे हो, मैं भी देखना, हर बंदा देखता है औरतोगरल। जनाब एक कहानी है एक अजिहे इंसान की जड़ा अपने वतन से मुहब्बत करता है, जड़ा अपनी जमीन नाल मुहब्बत करता है, अपने लोगों नाल प्यार करता है, अपने कपड़े ते, अपनी जुबान ते, अपने खाने पीने ते, उसनु एक एतमाद है। तो उस एतमाद नु लैके वह पूरी दुनिया च उनू वसी करता। लेकिन अज जो तो मैं देखना मेरा पाकिस्तानी या मेरे कौम के लोग अपनी जबान नू अपने कल्चर नू बिल्कुल ऑन नहीं करते। जनाब शर्म महसूस आती है कि जनाब असी इंग्लिश इज़दा बोलना सानू फखर लगता है, असी टूटी पजी अंग्रेजी बोल लेसी है, ठीक है, लेकिन असी अपनी जुबान इच गल करना जनाब सानू थोड़ी जी शर्मिंदगी जरूर महसूस होती है। मेरे को एक कॉलर है तो मैं गल कर सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहजी साहब। वालेकुम अस्सलाम लाला पिशोरी साहब, किस मुद्दे से ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। थोड़ी तबीयत ठीक है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुमने पूरा हफ्ता मनु मिस किया कि नहीं किया पहले बता दियो मनु जी। यकीन करो कि बड़ा याद आयो तो माशाल्लाह हूं थोड़ा देखा तो थोड़ा जरा दिल खुश हो गया, थोड़ा चेहरा मुबारक देखा है। बड़ी चेहरा मुबारक। हां ना जी, बड़ी मेहरबानी। आज का टॉपिक पे सुन दियो के कहना चाहो जी? यार जी मैं तो ये कहता कि सबसे पहले मैं अपने पिशोरियों को कहता जी, ठीक है जी, कि अपनी जबान की पहचान यकीन करो कौम जी अगे तिकल गई ना उही कौम के जिन्होंने अपनी जबान उन्हें छोड़ा, ठीक है, ठीक है। यकीन जो आप अंग्रेज है तो दूसरी जबान ना बोलसी अंग्रेजी बोलसी, अरबी है तो सिर्फ अरबी बोलसी दुआ ना बोलसी, पठान है तो सिर्फ पश्तो बोलसी दूसरी जबान ना बोलसी, ठीक है। सारा पिशोरी का सबसे बड़ा फैक्ट है कि जी असि जबान भूल गए इनको जी साड़ी पहचान है, ठीक है, साड़े यानी कि जरा साड़ी सकाफत है, ठीक है जी, सही हो गया। राधे का जी इनको बड़ी घाट बोली जानी, अपने बच्चों ने अभी तरबियत ही लेनी साड़ी पहचान इनको है ना। नहीं तो वजह नहीं, मेरी गल बताओ लाले कि शर्म क्यों आती है अगर मैंने सालन नू लोन क्या छोड़ा है या अगर मैंने रोटियां दुपट्टे नू पल्ला क्या छोड़ा है, तो बुरी क्या गल है जनाब?
ना कभी ना जी सरकारों मैं के जाके माशे के मुंह दसा कि यार के इनको बोलिस यार के जी यार टीवी का लोग उन यार बार हल्का लोग उन ओ खुदा दे बंदे साडी पहचान है दुनिया ने कर इनको दी पहचान जुने विचारे दिलीप कुमार पाकिस्तान आए जी ते सबसे पहले उन्होंने आके सारे ने कि यार मेरे नाल इनको बोल सो मेरे नाल कोई अंग्रेजी गल ना कर सो दिलीप कुमार आया बिल्कुल सही कहंदे हो दिलीप कुमार आया तो उसने यकीन करो कि मेरे नाल सिर्फ इनको गल ना कर सो मनो इनको अच्छी लगदी ते मैं सिर्फ इथे आया हूं इनको बोलने अरे वाह इसका साडे से इज्जत का मकाम है अरे वाह अरे वाह अपने बच्चों ने उर्दू दस दी थी इनको नहीं दसी साढ़े बच्चों ने इनको आंदी नहीं थी उनको इनको तो कहना इनको क्यों होंगी असी इंग्लिश सिखाने हैं बिल्कुल ठीक है लाले बिल्कुल ठीक है बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है तो कॉल कर दे रहो ताकि असी शेयर करिए जनाब असी क्यों मगरिब नू फॉलो करने हैं असी मतलब और डिंगा जीवा कम भी करन तो असी फॉलो करने जनाब वो पे ठीक कर दें ठीक है इंग्लिश ते पे गल चल दी इंग्लिश मतलब अजी लैंग्वेज यार असी बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में पढ़े हाँ लेकिन साढ़े उस्ताद भी इतनी खास इंग्लिश नहीं बोलते स्कूल ठीक है जी उर्दू ची गल होंगी या पश्तो च गल होंगी तो गल जनाब कि उस वक्त साने भी इतनी सुनी नहीं आई एक दिन ऐसा हुआ मनु कदों अंदाजा होया कि जनाब इंग्लिश का बड़ा इंपैक्ट है लोग बड़ा फॉलो करते हैं इन गल यही कि मनु ने एक चला गया खातून को मैंने कहा जी तुम बड़े अच्छे हो खैर नल तो बड़े ओपे कर रहे हो जनाब उन्होंने मनु किया तू इनको पे गल कर ले तू साइड पर हो जाए ठीक हो गया मैं कि अच्छी गल है एक दुआ खैर है नडा किया उन्हें अंग्रेजी किया यू नो आई लाइक योर स्वैग एंड अंग्रेजी ना थोड़ी जी हिप हॉप नाल ही उन्हें किया जनाब तू मेरा जीवन साथी डॉट कॉम है तो तभी मनु अंदाजा हो गया कि जनाब अंग्रेजी का बड़ा सीन है ठीक हो गया मेरे को एक कॉलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम शाह जी कैसे हैं आप वालेकुम सलाम कौन बच्चे किधरों पे गल कर दे हो जी मैं उमर काशान बोल रहा हूँ पिशावर से अच्छा काशान साहब के बेटे तो नहीं हो आप जी वही हूँ मैं अच्छा कैसे हो बच्चे ठीक ठाक हो जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक क्या कहना चाहोगे बच्चे आपको टॉपिक आज बहुत अच्छा है ते इनको तनु भी आंदी है कि ना उर्दू बोल दियो कार मनु भी इनको भी मनु भी क्या बात है क्या बात है चलो बहुत अच्छी बात है यार कॉल कर दे रहा करो ठीक हो गया बहुत शुक्रिया जनाब असी पे गल करने कि इंग्लिश दा कितना ज़्यादा इंपैक्ट है साड़ी जिंदगी ते असी कितने ज़्यादा इंस्पायर्ड हाँ बेसिकली असी कितने ज़्यादा ना मरूब हो गए हैं शायद तो ते मैंने खाली उन्होंने किया जी मतलब तुसी भी अच्छे हो जी तो लेकिन जी जरा अंग्रेजी बोल सी लाइक आई लाइक योर स्वैग आई लाइक योर चार्म ते उदी गल बढ़ सी ते साड़ी तो मुश्किल ही है बाबा सारू तो और पता ही है ना कार अच्छा मुझे ना टेंसेस नहीं आते हैं ठीक है ना मनु हैव बीन ते हैड बीन मनु कुछ समझ नहीं आता लेकिन मनु एक गल पता है कि अगर तुसी अपनी जबान नू सही उस ते यकीन करके उसे पूरा अबूर हासिल करके किसी नू एक गल कर दो जनाब मैं कहना वो अरबी बोलता होवे फ्रेंच बोलता होवे फारसी बोलता होवे तुहाड़ा पैगाम उदे दिल च जरूर असर कर सी मेरे को एक और कॉलर हैं ते मैं गल करना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पर गल कर दो जी असी चंदे महताब चंदे आफताब चंदे गुलाब चंदे अरे वाह क्या उम्दा तारुफ दिता तुमने जी क्या बात है जी क्या बात है ताने के जरा से यूं तोड़े प्रोग्राम दे होस्ट बन जाइए ठीक हो गया जी हुण जी किस तरह हो तुसी ते के साल पूरा हफ्ता किस तरह गुजरा तुहाडा मैं चूना पट्टी च बैठे आया अच्छा मजा बहुत शदीद किस्म की गर्मी साने खादी है मैं कहा मैं दरो दीवार पे चुमिया कार दे मैं कुर्बान जावा पिशोर तेरे तो तू तो किजा सोना शहर है साडा बड़ा ही ठंडा शहर है क्या कह रहे हैं जी क्या कह रहे हैं यकीन करो कि मैं कहने सड़ बल गया अच्छा अरे वो शदीद पंजाब की गर्मी वाकई मन नहीं हुई गर्मी मन नहीं आज द टॉपिक पे सुन दे आज दी गल पे सुन दे जी आज दी टॉपिक तनो मुख्तसर जी गल से शुरू कर सके अदनान गुल साहब तुसी पहचान से हार्ट स्पेशलिस्ट जी जी ठीक है ते असी लोग जो भी गया अच्छा ओ सनन हिंको ची गल कर दे सही है उन्होंने सफा सनु मुंह तक तुसी की जुबान बोल नहीं जी वो तुसी अपनी जुबान से शर्मांदे क्यों हो तुसी अपनी जुबान से गल करो क्या कहने हैं क्या कहने हैं ओ सनन हिंको लेकिन असी आप मेरे अबू आप माशाल्लाह खालिस पिशोरी बोले चक्का खाने लौनी आओ लून बुआ बारियां बंद कर चाना आ गया बड़ा सा कुछ छिटका
शर्मिंदगी महसूस होती है। अच्छा कोई साड़ी फैमिली है बेसिकली अगर कोई बाहरों मुल्क से आ जाए ना तो वो अपने बच्चे ऑटोमेटिकली अगर 5 साल इटली गुजारे या यूरोप गुजारे तो अपने बच्चे अंग्रेजी बोल दें कि हे हैव सम फूड ठीक है तो जोड़े साढ़े यार खानदान होते जोड़े बिल्कुल ही बाहर नहीं गए उन्होंने माँ प्यो टेंशन शुरू हो जाती है अगर एदा बच्चा पे अंग्रेजी बोलता है तो हूँ मैं किसम सिखासा इन अंग्रेजी तो ये कर दें जनाब रशीद बेटा ए फिश दी टेल खा लो खुदा नु मन लो यार ए फिश दी टेल क्या होता है जी ए जरा खुदा नु मनो जी ए आमदी गिटो जरा रशीद दे पियो मेरे को एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब किधर पे गल कर दियो जी? शाह साहब काशान गल करना पेशावर जी कतू से जी। काशान आज तो बड़ा डिसेंट अंदाज ही तुमने गल शुरू की है क्या कह रहे हैं जी? सर आटा गप मजा नहीं करना बात खफा हो सो ना ना बिल्कुल खफा नहीं होना। आज का शो पे देखते हो जनाब? आज का शो जेने पे जी बहुत जबरदस्त टॉपिक है तो बहुत अच्छा टॉपिक है तो बहुत नाइस है जी। सर बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा चीज बड़ी खुश नसीब आ गया सी पेशावर साडे से काबिल फखर शहर है। ठीक हो गया पेशावरी हूं। ठीक हो गया। इज अ कल्चर इज अ जुबान बड़ी मीठी है ठीक है लेकिन अफसोस से वे अलग ना अफसोस से वे कि साडे जड़े शहर दरस में आवाज है तो तरीके जुबान छोड़ के उन्होंने फरन दी सब कुछ सीख लेता है मतलब अपनी जुबान जी जुबान है इंग्लिश अल्फाज बोलना शुरू कर लेते हैं अपने तरीके छोड़ के उन्होंने तरीके अपना लेते हैं। सही होगी अपने तरीके छोड़ के अपना छोड़े ये बहुत सी गल की जी। दूसरी गल है कि अपने सोनी सलवार कमीज आवे और छोड़ के तो फटे पुराने पांचे वाली पैंटा पांदे पेन बिल्कुल सही है वो गोटे वाले फटी होनी जी की जी कहीं मैं माइकल जैक्सन हमें ठीक है जी मतलब पेंटा पाओ लेकिन फाड़ी क्यों ने मतलब गरीब तक ऐसी ना कि चल मेरे तो गुर्बत है तेरे तक कितने दिखे हो या कितने पेंटा फाड़ी हैं जी। हाँ जी वो भी हो गया बात दूसरी गल एक एक वाल वड़े होने दूसरे निके वाल होने अच्छा। मतलब अपने कल्चर से हट के अंग्रेजों को तरजीह देने पे फॉलो कर देने बिल्कुल सही है जी जी हम साडे पिछोरी है और चक्का लेके यार किसी आए चक्का के बल आवे चक्का के शायद हो जी चक्का। हाँ जी और लगा तेरी जुबान चक्का चक्का ने तो हैव सम योगर्ट आई वांट सम योगर्ट इन माय डिनर। हां ऐसी गला करती है। हाँ जी अच्छा हम कैसे जरा लोन पावी आए बतमीज लोन नहीं बोल दे बंदा सलन बोल दे बंदा इस सालन बतमीज सालन जुबान बोल दे जाए थोड़ा जब मुंह ढीका कर सो सालन डालूंगा मैं। जी बाकी ये जी साड़ा कल्चर बहुत अच्छा है बैनर मुख से साफ सुथरा है बस काशान ए मनु बड़ी खुशी है के असी फिर भी तोड़े जे लोग हैं जेडे ऑन कर बड़ी मेहरबानी जी। मेरे को एक और कॉलर भी तो मैं गल करना जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम कौन साहब किधर पे गल कर दियो जी? महबूब बोल रहा हूँ जी पिशावर से बोल रहा हूँ मालिक सेठान से करो जी। महबूब भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो खड़ी है ठीक जी। मेरी इस तरफ से भी आपकी वालदा नु आज जी सालगिरह दा बड़ी मेहरबानी जी। अम्मी जी साजिद भाई भी तुहानू सालगिरह दी मुबारक भी कहंदे जी बड़ी मेहरबानी भाई बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल जी ए तुहाडा अगे टॉपिक बड़ा अच्छा है असि लोग अपने कल्चर सी अपनी जुबान सी असि बड़े पीछे हट गए हैं ठीक है साडे बच्चे के उर्दू बोल दें असि फखर महसूस करने के जी साडे बच्चे उर्दू बोल रहे हैं इंग्लिश बोल रहे हैं मैंगो दी गिटक चूस लो ठीक है जी असी ये कह सकने हैं लेकिन असी वो जुबान क्यों नहीं बोल सकने जी क्यों शर्म क्यों आती है सानू यही गल है बस असी लोग शर्म महसूस कर रहे किसी महफिल किसी पार्टी बैठी हुई असी लोग बिल्कुल सिर महसूस करने यार कि सारा बच्चा के जो इनको ना बोल पाए इनको ना बोल ले लोग क्या कहेंगे। हाँ बिल्कुल असी अपनी असी असी लोग अपनी असी लोग नहीं सने अपने सने लोगों ने अपनी जुबान नु बिल्कुल पीछे छोड़ दिया बिल्कुल सही है अपनी और असी और बना वाले पर पहुंच गए असी और रास्ते वाले के साजिद भाई उर्दू रखती उर्दू भी ठीक है साजिद भाई बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है मेरा पॉइंट एग्जैक्टली तो समझ गए हो दिस इज नॉट अबाउट योर लैंग्वेज खाली जबान की गल भी नहीं की एक कपड़े असी लैके साड़ी शेरो शायरी सी लैके सारे खाने असी लैके साड़ी सोच सी लैके जनाब असी वेस्ट सी बड़ा मरूब हाँ असी अपने कल्चर नू ओन नहीं करने हैं। मेरे को एक और कॉलर भी तो मैं गल भी कर सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
जी वालेकुम सलाम, कौन सा आप किधर बैठे हो जनाब? क्या लेकिन मुख्तियार कुल बात थी जी। जी मुख्तियार भाई किसे को तुसी ठीक ठाक हो जी? क्या ले जी तुसी अच्छे हो? खैर है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इस गल है के साडे वडिया ना सारे दा कसूर है, असी आप लोग बच्चे नु इनको नहीं सिखानिया। ठीक है तो बच्चे नु शुरू सी कहने ने जी उर्दू बोलो ते इंग्लिश बोलो ते मतलब एक दफा मैं बंदे ने जाना पिया बुआ बंद कर देना तो कहना है ये बुआ क्या होता है इसको डोर कहाँ करो? मैंने कहा बहुत अच्छे यार कौन सी बातें है ये उन बाजे टाइम पे ऐसी इनको गल करने तो साढ़े तो लोग बाजे आपने शहर के लोग आते हैं ये बड़े पीछे रह गए क्या दिन इन्हें ये कहते हैं ऐसी बड़े तालीम याफ्ता हो गए ये बड़े पीछे रह गए जी। हाँ जी हाँ जी मुख्तियार साहब बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है तो कॉल करते रहो एंड कीप सपोर्टिंग दिल पिशोरी। मेरे को एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब किधर पे गल कर जनाब? मोहम्मद शफीक खान सैनाबाद। जी शफीक साहब किस हाल? ठीक ठाक हो? खैरियत है जी, शुक्र है जी। आज दे शो दे हवाले के कहना चाहो जी? मोहसिन गाले ने पिशोर पिशोर ही नहीं लिया यार, गल खत्म कर। अच्छा इथे केड़िया कोमा नहीं वासिया? चित्राली इथे वे, पठान इथे वे, मेहमान इथे वे। ठीक है ओके जनाब, कॉलर तो आड़ा ड्रॉप हो गए, वध कॉल करो इंशाल्लाह वध गल करती है। मैं भी गल कर रहे हैं फिश दी टेल सी लेके तमाम मामला ठीक हो गया। असी डिंगी ची भी तो बोलने हैं लेकिन असी अपनी जबान फोकियत देने। एक और गल जिड़ी मैं नोट की है थोड़े शहर भी गल हुई उसी, अगर तुम अग्री करो तो जरूर मैं कॉल करके मैं बताना। जनाब एक दिन मैं नाके तो भी गुजरना है, पुलिस नाके होंगे जनाब, मैं भी गुजरने हैं तो किसी ने मेरे को पूछ छोड़ा कि यार हाँ किधरों जा रहे, कहाँ जा, कितने पे जाना है? तो मैंने इनकोश किया कि यार मैं पेश नगरी जाना है, मेरा काम है। तो जनाब डायरेक्ट उन्हें किया कार्ड कार्ड दिखा कितों आए हैं, क्या काम करना है, जरा गड्डी साइड से ला लें। ठीक है जी, एक नॉर्मल कल्चर है, जरा साइड से गड्डी ला, जरा मैं देख रहा तू गड्डी कुछ आया कि डिग्गी खोल। जनाब कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्त ना लिया तो गड्डी पर जानती सेम ओ ही नाका आया तो मेरे दोस्त ने कहा यार ब्रो आई एम गोइंग टू अशनगरी एंड डू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? जनाब उन्हें क्या सर बड़ी मेहरबानी, जरा बड़ी मेहरबानी तुसी बड़े अच्छे लोग हो जी, मसला मैं गलत में समझ आइए तुम्हारू। वेरी गुड कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप किधर पे गल कर दो जी? हेलो यार ये बड़ी ज्यादती है वैसे आपस की बात है, मेरा गल टूटता है कॉलर भी टूट जाता है। खैर नहीं आओ मैं भी गल कर रहा कि अगर तुसी अंग्रेजी इधर किसी ना गल कर लो तो समझते कि जनाब ये एकदम बड़ा ही पढ़ा लिखा बंदा, जनाब इसकी अंग्रेजी तो दुनिया च ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, जिससे कि लोग अंग्रेजी सुन दे ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, खिजाज भी बाहर आ जाती है। ठीक हो गई इस गल की अपनी जबान जनाब चासी कोई पकड़ी है। मेरे को एक और कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हो? महाज मंगोल बात कर रहा हूँ, मेरी कॉल कट गई थी। अच्छा जी क्या कहना चाहोगे महाज? मैं ये कहना चाहूंगा सारू अब पाने फको नहीं होना होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, सानू सानू होना चाहिए, अपनी जुबान से शर्माना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए बच्चे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सबसे ज्यादा तारू दे ओके माँ बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की थी जी, थोड़ा मैसेज पहुंच गया है कि शर्माना नहीं चाहिए। मैं भी गल करने कि एक आम बंदा भी जो इधर एक जबान सुनता है तो वो इंस्पायर्ड हो जाता है कि नहीं यार ये अंग्रेजी बोलते हैं तो ये तकड़ा भी हो सी, ये अखबारों भी पढ़ के आया हो सी, इधर मिजाज भी पकड़ो। ठीक हो गया, मैं तुम्हें तो एग्जाम्पल भी देती हूँ कि एक नाके से मैं उसी नाके से गुजरा जो अंग्रेजी गल की है तो बाद पता है VVIP प्रोटोकॉल पाई लूँ। ठीक हो गया, लेकिन सानू इस गल तो एटलीस्ट गल तो करिए थोड़ा जहा। एक और गल मैं जरा अपने आम बाजार है, तुसी भी जानते हो सो मीना बाजार है, शाइन बाजार है, चाहे कपड़े वपड़े लेते हो सो, मैं भी कभी कभी निकल जाना, मैं अक्सर देखना जो दुकानदार होंगे जड़े बैठे होंगे वो एक गल करते हैं कि बाजी ये जरा कपड़ा वे ना ये पाकिस्तान का नहीं गा, ये कपड़ा इंपोर्टेड है। ठीक हो गया, ये जरा परफ्यूम है पाकिस्तान का नहीं गा, ये परफ्यूम इंपोर्टेड है, ये घड़ी पाकिस्तान की नहीं गी। तो जिसकी असं सुनने कि इंपोर्टेड है अस कहने लिया बाबा और भी पांच छह पे नहीं भी लैके आ। ठीक हो गया, मेरे को एक और कॉल अरविंद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन सा आपके तरफ बिगड़ गए जनाब? जी मैं नवीद अकरम गाड़ी खाने से बोलना जी। जी नवीद भाई किसम को ठीक ठाक हो? खैरियत जी ठीक ठाक हो
लेकिन जनाब मैं कलामी माफ कर सा के खाली जबान मरूब नहीं गया असी खेड़ सी लैके खाने पीणियां सी लैके साड़ी पूरी मतलब लिटरेचर सी लैके हर शै असी वेस्ट नू कॉपी करने ए क्यों जी 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 ए गलत होवे ना जी ठीक है सानू चाहिदा कि असी अपने बच्चियां नू इनको दस्ते हो करिए उनां नू सिखाइए उनां नू पढ़ाइए उनां नू कहिए कि साड़ी मादरी जबान है ए बोलो बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है हां जी जनाब ये सोच जरूरी है मेरे ख्याल से जो तो ये सोच उजागर हो सी तदी ये शर्म दे पर जरा हट सन जनाब ओके जी बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की नवीद भाई ते कॉल कर दे रहो ते आपने रिव्यूज भी मेरे नाल जरूर शेयर करो मेरे को एक और कॉलर भी लेट्स बी टॉक टू हिम अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहिबा किधर पे गल कर दियो जी बेटा जी पहली गल तो है कि मेरी कॉल पूरी सुनना कटना नहीं अच्छा जी बिल्कुल तुम्हारी कॉल पूरी सुन दी जी हुकम करो जी टॉपिक तो आने के रखा जरा मन बोलो आज जना आज का टॉपिक है कि असी अपने कल्चर नु ओन नहीं करने है शर्माने है उनु बताने जी अच्छा असी वेस्ट वेस्ट नु फॉलो करने है जरा अपना नाम ते जगह बता दियो जी जी मेरा नाम रुबीना है मैं गुलबार से भी बोल रही हूँ बच्चे जी जी असी पिशौर दा प्रोग्राम पे करना एक ता ताड़ी बड़ी गलतियां हुन इंग्लिश तुसी बोल दे हो टॉपिक इंग्लिश ही रखा ने ठीक है पिशावर पिशावर कर दे हो पिशोरी लोग पिशोर कहो ठीक है हिंको नु अपनाओ अच्छा तुसी इस टॉपिक नु हिंको च भी रख सकते हो वैसे तुहाडा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है मैं बड़े दिन से देख रही पई हां लेकिन मैं चाहना जो यंगस्टर पे सुन रहा है वो थोड़ी जी इंस्पिरेशन ले ले कि असि पढ़े लिखे लोग हाँ वी कैन टॉक इन उर्दू वी कैन टॉक इन इंग्लिश हाँ असि हिंकोवान हाँ लेकिन असि एजुकेटेड भी बहुत माशाल्लाह जी लेकिन बेटा जब पिशोरी प्रोग्राम है तो पिशोरी ही होनी चाहिए ना बिल्कुल ठीक है तुम्हारी राय मेरे से बहुत मुकदम है जी बहुत मुकदम राय है तुम्हारी जी ओके जी बड़ी मेहरबानी तुम्हारे कॉल की थी यार बताए ठीक है जनाब देखो मेरी मेरा एक मकसद है मकसद के वे जो तो मेरा एक आम यंगस्टर गल सुने ना जो तो यूनिवर्सिटी जावे कॉलेज जावे किधर और जावे तो और थोड़ा रिलेट कर पावे ऐसी कि यार नहीं ये जो बॉय खड़े हैं ना मतलब ये हम में से हैं ठीक हो गया बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की थी तुम्हारी राय मेरे से हमेशा बड़ी मुकदम होती है मेरे को एक और कॉलर भी तो मैं गल करना अस्सलाम वालेकुम ओके जी कॉलर ड्रॉपन असी भी गल करने है कल्चर के हवाले न लेकिन कल्चर सिर्फ एक जबान तक महदूद नहीं गा मैंने गल की थी कि जिसे कि असी जाने दुकाना ते असी कहने कि यार अगर ये शह पाकिस्तानी नहीं गी इंपोर्टेड है तो असी फौरन वो शह खरीदने असी कहने यार लैके आ मनु मतलब अगर चार पाँच अंदर और भी पाई जान तो वह भी लै उसकी वजह वे कि असी इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा होना लोगों को वेस्ट को असी इंस्पीरेशन लेने वजह वे उसकी वजह वे कि जनाब असी 100 साल से भी ज़्यादा उन्होंने इधर हुकूमत की है असी सोचने बिल्कुल आजाद हैं लेकिन जनाब जिस्मानी सोच सी जिस्मानी गुलामी सी बड़ी ज्यादा महंगी होती है ज़हनी गुलामी ये ज़हनी गुलामी नु थोड़ा जिहा पसे पर्दा पा के मैं कॉलर लेना जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम कौन साहब किधर पे गल कर जनाब मैं जी सदीक डबगर जी का बोल रहा जी साहब जी सदीक भाई किस हाल जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी खैरियत है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब क्या कहना चाहते हो जी ठीक ठाक सदीक भाई थोड़ी बहुत खास दुआवां मेरे नाल जी हां मेरी हमशीरा आई है जी मेरी हमशीरा आई है कराची सी जी तकरीबन उन्होंने 25 साल अपना ख्याल रखो जनाब मैं लेना वो एक निका जहा ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक दैन
ओके जी, वेलकम बैक पिशावरियो। तैसी भी गल करने हैं ओन योर कल्चर, अपने कल्चर ते, अपनी जुबान ते, अपने रहन सहन ते, अपनी रिवायात ते, अपने ट्रेडिशंस ते, तो आने फखर महसूस करना है। तदी जनाब ओ कौमां जरूर कामयाब होंदियां जेड़े अपने कल्चर ते या अपने माजी ते या आने वाले मुस्तकबिल ते फखर महसूस कर दिया। ठीक हो गया, मेरे को एक कॉलर है, मैं गल करना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब किधर पे गल कर दो जनाब? सर जी मैं शाहिद खान खट्टर गल करना था जी, तरबेला गाजी तो। जी किसन को तुसी शाहिद खान साहब किसन को जी, ठीक ठाक हो जी? हां जी, तरबेला सी आज मेरा पहला कॉलर है जनाब, तरबेला सी आज मेरी पहली कॉल आई है, बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की थी जी। सर जी असी रोज गल करा सी, जाने नहीं हो मैं पिछले अद्धे घंटे तो गल करना। अच्छा, सुन के मैं बड़ी खुशी हुई जी। ए तुम्हारी मोहब्बत है जनाब, ए तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा खलूस है, आज दे शो पे देखते हो जी। तुम्हारी मोहब्बत हमेशा तुसा नाल है जी, के जी गल करने। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आज दे शो दे हवाले नाल के कहना चाहो जी? सर जी मैं यही कहना जी, जेड़ी तुसी साडी अपनी मादरी जुबान जी, साडी अपनी पंजाबी हिंदको पटवारी मिक्सर पढ़ा के यूज कीती ना जी, मेरा दिल लै गई सर जी, मेरा दिल करदा मैं 24 घंटे तुसा शो तक ना रहवां जी। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी जनाब। देखिए शाह जी का भी बूस्ट कर दो, ठीक है, शाह जी इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, अंग्रेजी भी थोड़ा ले लो। अच्छा मैं पे खाली गल करने, खाली एक साड़ी जबान की गल नहीं की, एक खाड़ी मतलब और भी बड़े साढ़े जरूर स्पोर्ट्स साढ़े खेड भी इस वेस्ट कल्चर का हिस्सा बन। एक दिन ऐसा होया जी, मेरे कोई दो चार तुम्हें पता है यूके से या बाहरों आए, वह बैठे तो आपस गप्पे ला दे, तुम्हें देखो उसी फुटबॉल मैचेज होते हैं बार्सिलोना का या रियल मैड्रिड मैड्रिड या चेलसी, ये वे वे क्लब्स हैं जो खेलते होते हैं। अच्छा एक दिन मैं भी बैठा हाँ तो मैनू मैं क्या, अगर मैं इन्होंने कहवा कि मैं नहीं देखना वा, तो यह क्या सर कि यार तुम तो बड़े पेंडू हो वैसे है जी, तो जिसे कि उन्हें कि यार आज आज रियल मैड्रिड का मैच आया तो बड़े मजेदार गोल्स हो, तो नाल ही मैं क्या छोड़ा हाँ यार ब्राज़ील ने भी बड़े अच्छे गोल किए ने ना, तो चार लोगों ने मेरे वाल देखा है कि यार ब्राज़ील तो टूर्नामेंट ही नहीं गा, मैंने कहा वर्ल्ड कप ही नहीं होता, उन्हें कहने जी ये वर्ल्ड कप नहीं गा, ये आपस में कप पर खेलते हैं तो तू फजूल ही कूल पर बैठना है। मेरा पॉइंट इधर के भी मेरा पॉइंट ये कि असी अपने आप को बड़ा कूल बनाने वैसे या बड़ा अपग्रेड बनाने वैसे असी मतलब एक अजीब जहा खोल चढ़ा लेने कि यार लोग कहन कि यार ये जरा बंदा वे ना ये बार भी कोई पंच छे घर है, ठीक हो गया, बाकी खैर खरीत ही है। मेरे को कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब किधर बैठे हो जनाब? जी मैं निगाह हुसैन अगर तू से बोल रहा हूं जी। जी किसन को तुसी निगाह हुसैन साहब, किसन को तुसी, ठीक ठाक हो जी? तुसी अच्छे हो जी, ठीक ठाक हो। थोड़ा तो मनु इतना इंतजार आया वैसे जी, इतना इंतजार आया थोड़ा जी। अच्छा बड़ी मेहरबानी, अल्लाह बाग सलामत रखे ने, अल्लाह बाद रखे ने जी, अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे। तुसी ओ मानसती हो जनाब, मैं तो तुहाडे पैर आज तक शो पे देख दियो क्या कहना चाहो जी? हां जी माशाल्लाह बड़ा सोना मौजू जी, उर्दू तो साड़ी ख्याल कौमी जुबान है ना जी, बिल्कुल ठीक है, ते इनको ख्याल साड़ी मादरी जुबान है, दोनों साड़िया जुबान है माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह जी ने मुते क्या कहने हैं जी, क्या कहने हैं? ते कल्चर की गल करने साड़े कार कुछ कुछ अरसा पहले लंदन से मेहमान आए ना। अच्छा तो असाने होना के अपने देसी खाने पर आके रखे, एक दिन रखे वड़िया गोश्त। अच्छा वाह बढ़िया, वो तो तारीफ ही तारीफ, कहने ये तो बहुत मजे का है तो ये है तो वो है। अच्छा तो आज खाने एक दिन उन्होंने बिरयानी बढ़ा के रखी, बिरयानी। अच्छा ओ काले मैंगोल काप लेने ना जी, आज ये भरता भरता आज भी खाता है मैं जी, आज मैं खाता है वो वाला बिरयानी वखरी चीज होंगी अगर जी सर। अच्छा पर अच्छा ठीक है, की होता है बिरयानी काले मैंगोल को, काले मैंगोल को स्लैश बढ़ा के काप लेने, ठीक हो गया पहले तो जरा काम घूमने के बाद माशाल्लाह दिल ही लगे जा लगे। अच्छा कहने लंदन नु के काम ऐसी लंदन जाने नहीं के किशोर जी ने जनाब, जिथे साडा पिशोर है उथे लंदन नहीं पहुंचदा जनाब, लंदन नहीं पहुंचदा। देखो जी ये साडा कहने असल है
क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा कमाल कोमा ओ ही होंदियां जेड़ा अपना असल ना पुरन जी, बहुत कमाल कोमा होंदियां असल यार। इससे शर्माना भी नहीं चाहिए, फखर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला दा एहसान है। साढ़े माँ प्यो बिछोरी साड़ी पर भी शशि की तीन क्या शुक्र है। शुगर ही ना हो जाए मनु है जी, इतनी मिठास गल की बड़ी मेहरबानी जनाब, तुमने कॉल की मनु वैसे इंतजार भी थोड़ा बड़ा ही आया कि तुम कॉल करो, मेरा बड़ा नसीब बन गए थोड़े गल हो गई। अच्छा एक दो मिनट याद मैं भी रिलैक्स करूंगा ना। अच्छा मैं पे गल आप गल करने तमाम मामला दी कि खाली ए जबान की गल नहीं की, ईवन स्पोर्ट्स भी तो होया कि वे आसाने जो और स्पोर्ट्स जी वेस्ट स्पोर्ट्स रगबी हो गई या ना बेसबॉल हो गई, साने आपने जरा कबड्डी आई उन्होंने जी गवा दिता है। साड़ी जरा कौमी खेड है हॉकी उस कोई फोकी है, बिकॉज लोग कैसे ने यार अल्लाह तू हूँ तो को आके देखना है, अरे कबड्डी कौन जानते उस कपड़े गंदे होंगे, ये केड़ा खेड है जनाब। जो तो अगर ये सोच रहसी, अगर ये अप्रोच रहसी जनाब, जेड़े साढ़े पुरख जाड़े वे जड़ी गेम खेलते दंगल लड़ते ठीक है, वे वे पहलवान, मैं थोड़ी गल यकीन करावा कि जनाब पिशावर से बड़े वे वे पहलवान पैदा हुए जिन्होंने पूरे दुनिया जाके बड़ा वड़ा नाम पैदा किया, लेकिन आज कोई पहलवानी नहीं करता, खाली दुध की दुकान से ही पोस्टर वो भी ला छोड़े ने जी, पहले दुध की दुकान के पोस्टर लगे होंगे पहलवाना, लेकिन वह भी गए। उसकी वजह है वे साड़ी प्रियोरिटी वेस्ट की गेम है ना कि आपकी गेम। मेरे को एक और कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी, ठीक हो जी? जी मैं ठीक ठाक, कौन साहब किधरों पे गल कर जनाब? मैं जी इमरान मुनीर टेक्सला से यानी गल कर रहे हैं। इमरान भाई किसे कुछ जी, ठीक ठाक हो जी, खैरियत है जी? अल्लाह ना शुक्र जी, तुसी ठीक हो जी? सब ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब अली। आज दा शो पे देख दियो जनाब जी, देखना पे जी शो तो बिल्कुल देखना पे जी, तुसा भी देखया बड़ी सोहनी वेस्टकोट भाई माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाब, के कहना चाह सकते शो दे वाले जी? सर जी मैं यही कहना चाहना जी, ये शो रोज करया करो जी, गरीब बंदा तक के दिले आसरा दे लेना कि सर असी जिंदा हां जी, असी मुर्दा नहीं होया ले, असी इंग्लिश उर्दू शुरू नहीं कीती, ठीक है अपनी जुबान बोल रहे हैं इनको जी। बड़ी बड़ी सोहनी गल है, तो मैंने गल तो बता दे, मैं इमरान भाई तुमने पहली दफा कॉल की थी, दसो जी मेरे वालिद साहब एक गल कर देन मनु, तो वो गल शायद बचपन से गल की हूं से याद रह गई है कि शाह जी दुनिया तुम्हें पता है सारे से खूबसूरत चेहरा केड़ा होंदा है? मैंने कहना जी नहीं पता। उन्होंने गल की कि जेड़ा चेहरा मुस्कुरांदा होवे ओ दुनिया सारे से खूबसूरत चेहरा होंदा है जी। कितनी वड़ी नवादरात, कितनी वड़ी वड़ी ईवन अपने दौर दी सारी सी वड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला चाहिए, सबसे वड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला चाहिए, मौनजो दौड़ो कितना वड़ा खजाना वे। लेकिन जनाब इन्हें बच्चों साने कभी यही नहीं बताया, साने खाली यह बताया कि हैरी पॉटर तुमने पढ़ना है, तो हैरी पॉटर ही इस वक्त 21st century का एक बड़ा वड़ा रोल है। कभी साने इन्होंने राजा रिसालू के किस्से नहीं सुनाए, कभी साने इन्होंने नहीं बताया कि जनाब मौनजे दौड़ो भी साड़ी एक बड़ी वड़ी तहजीब रही है, साड़ा एक बड़ा वड़ा असासा वे सारे कदीमा का, साने इन्हें बच्चों ने बताया नहीं गा, साने इन्हें बच्चों ने यह भी नहीं बताया कि जनाब अगर अंग्रेज अगर वेस्ट तुम्हें बताता है कि रिचर्ड द लाइन हॉट जरा इंग्लैंड का बड़ा वड़ा किंग आया, अगर वह उधर आया तो साढ़े को भी टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान आया। मेरे को एक कॉलर हैं तो मैं गल करना, असलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम मुजफ्फर शाह जी, मैं थोड़ी आवाज पछाड़ना जनाब, और गल ना वसी बात है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेटा क्या हाल है? ठीक किसे मुझे ठीक ठाक हो सरकार, खैरियत है, तुसी अच्छे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज दा शो पे देख दियो, क्या कहना चाहसो जी? जी बिल्कुल, आज दा शो पे मैं देखना थे इसे पर यही मैं कैसा ना कि साने अपनी रवायात अपना रहन सहन अपने खाने बेसियत एक पिशोरियन दे बिल्कुल पीछे छोड़ छोड़े। बिल्कुल ठीक है जी, साने दूसरे नकल करके दोनों चीजा नु साने अडॉप्ट कर छोड़े, सही हो गया ठीक है जी। तो इसे कहते ने कि कौवा कौवा चला हंस की चाल अपनी, अपनी चाल भी भूल गया, ठीक है जी। ऊन असी मतलब है कि ना उधर दे रहे थे ना इधर दे रहे, ठीक है जी। साने अपने बच्चों ने वो माहौल नहीं दिता, वो चीजा नहीं दीतिया, ठीक है। उन्होंने उर्दू बोलना सिखाया, एक किता वो किता के जी माशरे जरा जा तो मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पार हो जाए, ठीक है।
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ कोशिश कर दे वो भी शायद इसी इंक्लूड है कि पहले सारे पिशोरिया के घर है रहन सहन है बुए है डेडी है तले ठीक है रूसी है या बारिया है ममती 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 है ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਕਾਰ ਬਣ ਸਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਮਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ जी वेलकम बैक पिशावरी होते मैं पे गल करना कि असी अपने कल्चर नू ओन करिए अपनी कल्चर ते फखर महसूस करिए सिर्फ जबान की गल नहीं गई स्पोर्ट्स की गल है ये सारे लिटरेचर की भी गल है मैं गल इधर ऐड कर सा कि असी बड़े मतलब बड़े खुश होने हैं कि देखिए जी शेक्सपियर ने किया है कि ए उसी या ए उसी असी कभी भी मैंने नहीं सुना कि असी इकबाल नू बड़ा ग्लैमराइज करिए मैंने कभी किसी बच्चे नू वसीम बरेलवी साहब नू पढ़ते नहीं देखा मैंने किसी बच्चे नू जोश मिली आबादी के हवाले नाल कोई जस्तजू करते नहीं देखा उसकी वजह वे जनाब उसकी वजह वे तरबियत गुट्टी च पाना पैसी कि ये आपके हीरोज़ हैं थानू अगर अगर उन्हें कोल रिचर्ड द लाइन हार्ट है तो साढ़े कोल भी तो टीपू सुल्तान है ना जनाब अगर उन्हें कोल उन्हें वड़े वड़े हैरी पॉटर हैं तो मेरे कोल भी राजा रसालू की किताब हैं उसे बड़ी वड़ी वड़ी किताब बड़ी वड़ी वड़ी लेखक हैं मनु है अपने बच्चों बताना पैसी कि आपके पास बहुत रिच कल्चर है यू हैव अलॉट ऑफ थिंग्स टू शो दैम लेकिन अपनी जबान पर यकीन करना पैसी और उस अगे फरोग देना पैसी इस गुलामी से जी एक जहनी गुलामी है इन्हीं पसे पर्दा पाके ठीक है अगे जाना है बी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली गल करनी शर्माना कोई नहीं जनाब अगर शाहजी स्क्रीन पर गल करने के बाद गल ही नहीं मिलती ठीक है मेरे घर एक खड़का दो अस्सलाम वालेकुम जी हेलो हेलो ठीक हो अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब किस रूप में गल कर जनाब वालेकुम सलाम शाहजी इब्राहिम गल कर रहे हैं पिंडी तू जी इब्राहिम भाई किसन को तुसी ठीक ठाक हो खैरियत है जी अल्लाह ना करे मैं सुनाओ तुसी तुम्हारे के हाल चाल ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक इब्राहिम भाई पिंडी का मौसम किसन है ठीक ठाक है जी माशाल्लाह सुबह ने टाइम बारिश लगी सी बस हुन ते बस जी होई होई है ते थोड़ा प्रोग्राम तक रहे हैं ते माशाल्लाह बड़ा चेहरा निखर रहा होया है और बड़ी खुशी हो रही है तुसी सकाफत दस रहे हो पाकिस्तान भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे बड़ी मेहरबानी जनाब बड़ी मेहरबानी तो थोड़ी सपोर्ट की बहुत जरूरत है के कहना चाहो शो दे हवाले नाल पिंडी दे हवाले नाल के पैगाम देना चाहो पेशावर नु जी बस यही पैगाम देना जी खुश रहो मिलजुल के रहो मिलजुल के रहो क्या कहने हैं जी क्या कहने हैं जिथे फखर महसूस करो अपने बच्चे बताओ कि मैं ये था और मैं यहाँ पे हूँ ठीक है अपनी जड़ा अपनी अच्छा मेरे नाना अबू मेरे बड़े पता नहीं किधरों गल याद आ गई मेरे नाना अबू वर्षक रोड से रहते जो भी वह शहर आते मनु अक्सर कहते देखो बच्चे मैं इतने रहना है उसकी मैं अक्सर नानाबू से पूछने के नानाबू तुम क्यों दिखाते हो उन्हें गल करके गए कि बच्चे जेड़े लोग अपनी जड़ा याद रख देन कोई शख्स कोई जात कोई बंदा भी उन्हें जड़ा खोखला नहीं कर सकता मेरे को टैक्स हैं तो मैं पढ़ना इस्लाम शाह जी आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है अगर आप शलवार कमीज की जगह टी शर्ट पहने यार जरा वजन भी ज़्यादा है ना मेरा ठीक है टी शर्ट पहने तो आप बहुत अच्छे लगेंगे आर्य आसिफ हुसैन बैरिया टाउन रावलपिंडी थैंक यू सर सलाम मशरिक टीवी एंड शाह जी दिस इज़ मी सुन्नत फ्राम इस्लामाबाद आपका टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है हम अपने कल्चर को छोड़कर बर्गर्स बनते हैं मेरा सवाल है मम्मी डैडी लोगों से कि ये ब्राव क्या
ये ब्राव क्या होता है? ब्राव ये होता है जी, ब्राव ब्रो मत ब्राव, ठीक हो गया। बड़ी मेहरबानी जी, तुमने मैसेज किया है मेरे को। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, किधर पे गल कर रहे हैं जी? जी मैं सिदरा जी बोल रही हूं, गुलबर्ग पेशावर जी। सिदरा किसन गुज जी, ठीक ठाक हो जी? शुक्र है जी, ठीक ठाक जी। लाइट नहीं होंगी साढ़ी सात से आठ को बस जी। फोन नंबर मनु पता है कि तुम फोन करा जी? अच्छा अच्छा, आज का टॉपिक है अपने कल्चर को ऑन करो जनाब, अपने कल्चर को ऑन करो, आज का टॉपिक है जनाब। अच्छा जी, बस जी कल्चर तो साढ़ा बड़ा रिच है जी, बड़ा जबरदस्त वाला टॉपिक है, ठीक है। ते पिशोरिया नु जरा इसको हाईलाइट भी करना चाहिए, चाहे ब्याह होवन मेहमान आए रखे अपने निकी निकी प्यालियां, देखिए बिल्कुल आर्ट है जी, बिल्कुल। इन प्यालियां नु भरना भी एक आर्ट है, इन पूरा ना भर दो मत आ सड़ दे जी। सर जी बड़ी मेहरबानी, तुमने कॉल की थी जी, कॉल करते रहो, मैं थोड़ी मैसेज पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, टुडे टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, काइंडली चेंज योर प्रोग्राम टाइमिंग्स, एवरीबॉडी शुड ओन देयर कल्चर टू अचीव सक्सेस, फील प्राउड व्हाट यू आर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। सलाम शाह जी, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम फकीराबाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे अम्मी जी, आपकी बर्थडे आ गई जी, हैप्पी बर्थडे टू योर मदर, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, एंड यू आर लुकिंग कूल इन ब्लू, आई नो दैट मैन। ओके जी, अंग्रेजी देख लो भाई की, ठीक है जी। सलाम शाह जी, दिस इज मी हुमैरा बुखारी फ्रॉम वर्सक रोड। आपने बड़ा उम्दा टॉपिक चुना है, हमने दुनिया के साथ मुकाबला लगाते हैं अपने बच्चों और अपनी नस्लों को, अपने कल्चर के बारे में नहीं बताते, ये सिर्फ वेस्ट का कॉम्प्लेक्स है। बड़ी मेहरबानी जी। सलाम अलैकुम शाह जी, आई एम हमजा वहीद सर की गेट। शाह जी पहले तो मेरी तरफ से अम्मी को बहुत हैप्पी बर्थडे, बड़ी मेहरबानी जी। हमें अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करना चाहिए और उसे बोलने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं शुजा फ्रॉम वसक रोड, वी आर प्राउड टू बी हिंकोमान, ज़बान पर शर्माना नहीं, एज अ यूथ हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट योर लैंग्वेज एंड कल्चर। थैंक यू अहमद, एंड दिस इज द पॉइंट, बिल्कुल सही कहा आपने। सलाम शाह जी, क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छा है, मैंने अभी आज का पूरा मैसेज अपनी जुबान इनकोविच किया वे, तो मेरी तरफों भी तुम्हारी अम्मी नू सालगिरह बहुत मुबारक होवे। सिदरा जान फ्रॉम सरकी गेट, कॉलर बीन कॉलर ले लेना वंद गल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। कैसा है भाई साहब, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब, किधर पे गल करो जनाब? मिलावर वजीर दुबई रसूल खेमा। अच्छा, दिलावर वज दिलावर कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलावर वज MILAWAR। अच्छा मार्शल आप ठीक है? दिलावर शो देख रहे हैं? अच्छा जी, ठीक हो गया दिलावर, बड़ी मेहरबानी आपने कॉल किया जी, एंड कीप कॉलिंग मी एज वेल। जनाब ओ साने ना हूँ ओ बच्चे या ओ जनरेशन परवान चढ़ानी पैसन जड़े आपड़े, मतलब अजकल का बच्चा मैं देखने गया, मनु ए इधरों कमाना है मैंने बाहर जाना है। जनाब सानू ओ नस्लां पैदा करनी पैसन जड़े इस मुल्क से मुहब्बत कर सकन, जड़े आपड़े कल्चर नल प्यार कर सकन, जिन्हों जिन्हों ये ख्याल ना हो कि यार मैंने बाहर जाके सेटल होना है, वो कहे कि यार मैं इधर ही होसा, ठीक है हालात ठीक है नासाज हूँ, लेकिन मैंने इधर ही रह के अपने बच्चों वो सकाफत वो तमाम साड़ी जी वड़ियां दी रिवायात हैं। जनाब मनु एक कल मैं गल पे करने हैं, राजा ऑफ जोधपुर एक नया राजा बने, तो किसी फॉरनर ने सवाल किया है कि यार तुम्हारी ताजपोशी हो तुमने इतना अरबा रुपये का खर्चा कर छोड़ा है क्यों किया है? तो राजा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मुझे बड़ा पसंद आया, और राजा ने जवाब दिया कि जनाब ट्रेडिशंस आर नॉट फनी, रिवायात कभी भी मजाक नहीं होती, रिवायात पीछे एक बड़ा वड़ा कल्चर होता है, एक बड़ी बड़ी सकाफत होती है। ठीक हो गया, सानू इन्हें तमाम शेवों से उभर के शर्म जनाब मेरी इधर लोग पे देख दें, मुझे एक बड़ा सवाल है, मैं अक्सर बच्चे से पूछते तुम जरा बात करो आगे, उन्हें जी मनु बड़ी शर्म आती, शर्म किस से आती है? जड़े तो पे देख दो शर्म पे आती नहीं, शर्माना शर्म का ताल्लुक तुम्हारी जात ना ले जनाब, अपने अंदरों और देखो कम करो, आज शर्म एक कागज़ से लिखो, ठीक है, उन्हें कागज़ को अग लगा दो नाल ही सट पियो, क्या ऐसी बात? साने शर्म नहीं करनी, साने जिधर भी बैठना है अपनी जात को डिफाइन करना है, असी कौन आ, वी आर प्राउड ऑन दैट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दी खास रहमत ते बरकत जरूर नाजिल हो। शाह जी विल मीट यू टुमारो एट 7 PM दिल पिशोरी। सो अस्सलाम वालेकुम पिशावरियों।